नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट नौकरी चैनल में। बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर, आखिरकार लग गया जिस बात का डर था। जी हाँ, लॉकडाउन। हरियाणा के 5 जिलों में लग चुका है मिनी लॉकडाउन और ये है शुरुआत भारत में एक बार फिर से तीसरी लहर के लॉकडाउन की। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किन किन राज्यों में और लग रहा है लॉकडाउन और कहां कहां पर लगेगा आने वाले सप्ताह में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक और स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बात करते सबसे पहले हरियाणा को लेकर। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के मद्देनजर 5 जिलों में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और जिम बंद करने के आदेश दे दिए हैं। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़, यहाँ पर स्कूल कॉलेज समेत ये जगह रहेगी बंद। जी हाँ, दरअसल हरियाणा सरकार ने महामारी की रोकथाम के मद्देनज़र 5 जिलों में जो ये लागू किया है, इसके साथ ही दफ्तरों में भी 50% हाजिरी के साथ ही काम होगा और बाकी सभी को वर्क फ्रॉम होम का जो है दिया गया है। इसके अलावा मॉल बाजार शाम 5 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे, ये पाबंदियाँ 12 जनवरी तक लागू रहेंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने राज्यों में अलग अलग जगहों पर प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। मुंबई मायानगरी के नाम से मशहूर, पूरे देश में सबसे प्यारा शहर मुंबई में धारा 144 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यहां पर भी कोई भी 5 आदमी इकट्ठा होकर बातचीत नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते। 144 लागू होने के बाद 15 जनवरी तक पूरी तरह से मुंबई की सड़कें सुनसान नजर आने वाली है। आने वाले समय में ये कठिनाइयां और बढ़ सकती है क्योंकि अभी फिलहाल सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इन तमाम चीजों पर पाबंदियां लगाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, इसके साथ ही गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू, केरल राज्य ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। साथ ही अगर बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में भी प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं लगातार, चाहे वो मेट्रो ट्रेन हो, स्कूल कॉलेजेस हो, बाजार हो, वर्क फ्रॉम होम के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अभी अभी पूरी तरह से अगर बात करें तो मिनी लॉकडाउन सबसे पहले लगाने वाला राज्य तीसरी लहर में हरियाणा है। जी हाँ, हरियाणा के पहले सिर्फ महाराष्ट्र में ही धारा 144 लागू की गई थी, लेकिन धीरे धीरे सही पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की लहर दौड़ पड़ी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट में।